मंगलम दंगलम। अर्जुन, घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। क्या? मेरे 11 करोड़ जो मैंने तकिए में छिपाए थे वो भी ले गए। तकिए में 11 करोड़? आई मीन घर पे 11 करोड़ कैसे आए? अर्जुन, वो पापू ने ना दुकान और घर गिरवी रख के मार्केट से उठाए थे अपने बिजनेस के लिए, और वो इनकम टैक्स वाले लेके चले गए। रूमी के पापू ने अपनी दुकान और ये घर दोनों गिरवी रखकर 11 करोड़ रुपए जमा किए थे और उसे रखकर गए थे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी और वो एक झटके में उठा कर ले गए। मैंने चोरों के डर से उन रुपयों को तकिए में भर कर रखे थे और वो उन्हें उठा कर ले गए। एक सेकंड, ऐसे कैसे रेड हो गए? मतलब बापू पूरा टैक्स भरते हैं ना? हाँ, वो तो सारे टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चला कि घर में 11 करोड़ हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। ये सीधा साधा केस नहीं, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा केस बनते जा रहा है। मतलब जहां तक मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि कल इस घर में चोर आए थे। चोर! इन चोरों को कैसे पता चला कि घर की तिजोरी में ज्वेलरी है, पैसे हैं, और आज इनकम टैक्स की रेड हो गई। और कल एक आदमी आया था मेरे पास, एक बहुत ही मजबूर किसान। उज्जैन में मुझसे विनतियां कर रहा था कि मैं उसका केस लड़ूं, लेकिन आज जब मैं वहां पहुंचा तो वो आदमी यहां से गायब था। मैंने उसका 2 घंटे तक इंतजार किया लेकिन वो वहां आया नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। सोची समझी साजिश लग रही है ये। क्या कह रहे हो अर्जुन तुम? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं रूबी। मुझे तो लगता है इनकम टैक्स वाले नहीं, बल्कि उन्हें पता था कि घर में 11 करोड़ हैं और ये प्लानिंग की गई है। अगर सच में किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर की होगी घर में 11 करोड़ रुपए हैं तो? ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थे कि नहीं। लेकिन एक बात तो श्योर है, उन लोगों ने जानबूझ के मुझे उज्जैन भेजा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं वकील हूं और अगर मैं घर पर रहता तो उनकी पोल खुल जाती। और उन्होंने जानबूझ के अम्मा को भी घर के बाहर रखा ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो नकली हैं। हाँ अम्मा, और तुम्हारे जाने के बाद वो लोग आए थे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो ही नहीं सकते और उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। किसी का भी हो, लेकिन अगर वो 11 करोड़ नहीं मिले ना तो घर दुकान सब चला जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। कैसे टेंशन ना लूं अर्जुन, 11 करोड़ रुपए लूटे गए, मेरे पापू की जिंदगी भर की कमाई, हमें पुलिस के पास जाना होगा। पुलिस के पास जाओगी तो पता है पुलिस क्या कहेगी? ये 11 करोड़ कैश कहां से आए? इतना कैश रखना इलीगल है, कुछ भी हो सकता है, छानबीन चालू हो सकती है, शायद तुम्हारे बापू को जेल भी हो जाए। नहीं, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। अर्जुन, मेरे पापा की जिंदगी भर की कमाई है घर और उनकी दुकान, अगर 11 करोड़ रुपए वापस नहीं आए तो दुकान और घर के साथ साथ पापा को भी खो देंगे। अर्जुन, अगर पापा को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जी पाऊंगी। रूबी, ऐसा मैं होने दूंगा? अभी और तंग करना बाकी है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बापू और इस घर के साथ हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, डोंट वरी। चलो, कम
कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। ललिता, तुम पे उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। छी ललिता, ये जो तुम सैड फेस बना के बैठी हो ना, बहुत गंदी लग रही हो, एकदम फ्लॉप मूवी की हीरोइन की तरह। मुझे पता है अम्मा की ज्वेलरी, मतलब तुम्हारे अम्मा की ज्वेलरी चली गई और उसमें अम्मा की कोई गलती नहीं थी। साहिल, तुम्हारा भी सब कुछ चला गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्या होगा? हम सड़क पे आ जाएंगे। मैं गली में बैठ के प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। और तुम मेरे घर रहने आ जाना, और तुम्हारी पूरी फैमिली भी। साहिल, हमारा घर छोटा है, पर हम सबके दिल बहुत बड़े हैं। पर मेरा दिल नहीं लगेगा ना तुम्हारे घर पे। तुम बैंगलोर जो जा रही हो लॉ पढ़ने, ललिता तुम ऐसे देख क्या रही हो? अरे ये वो टाइम थोड़ी है जब तुम आंखों में आंखें डाल के इंतजार करो कि पहले ब्लिंक ऑन करेगा। अब मुझे गेम नहीं खेलनी, तुम कुछ बोलो ना प्लीज। मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ मुझे देख के? ये कि मेरे बैंगलोर जाने से तुम कितना उदास हो रहे हो। मैं उदास कहाँ हो रहा हूँ? मैं उदास क्यों होऊंगा? मैं बैंगलोर में तो तुम्हारा फ्रेंड, सॉरी बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना तुम्हारा वो। और तुम्हारे अम्मा अर्जुन को भी पसंद है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। क्या नाम है उसका? यश। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यश। कितने बुद्धू हो तुम, और बहुत क्यूट भी। क्यूट मैं हूँ और तुम यश के पास जा रही हो? क्या? मैं कह रहा हूँ कि क्यूट मैं हूँ। मम्मी और दादी बचपन से कहती हैं मैं क्यूट हूँ। और क्या कहा तुमने वो? क्यूट और क्या? बुद्धू। बुद्धू? बुद्धू क्यों? बुद्धू इसलिए कि मेरा यश नाम का कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं बैंगलोर भी नहीं जा रही हूँ। यश बैंगलोर? सच में? मैं सिर्फ तुमको टेस्ट कर रही थी। टेस्ट? अरे ये कोई एग्जाम सीजन है क्या? तुम टेस्ट क्या कर रही हो तुम यार? हाँ तो तुम सच्ची टेस्ट कर रही थी? सिर्फ टेस्ट? मैंने ये सब इसलिए कहा था कि मैं देखना चाह रही थी कि मेरे जाने से तुम्हें फर्क पड़ता भी है कि नहीं। तो क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि फर्क तो पड़ता है। अभी नहीं कहोगे अपने दिल की बात? Thank you.
I love you, Lalita. I love you too, Sahil. नहीं 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 अब नहीं, तुमने 5 मिनट में फैसला भी बदल लिया? हाँ, मतलब ये वाला फैसला नहीं लेता, ये तो पक्का फैसला है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी फैमिली को इस मुसीबत से बचा के रहूंगा। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों मिलकर हमारी फैमिलीज को बचाएंगे। ललिता, याद है जब वो ऑफिसर्स रूम में एंटर किए थे, तब याद है मैं तुम्हारी एक वीडियो शूट कर रहा था, रूम कैमरा में कहीं भूल गया था। वो कैमरा है कहाँ? ललिता ये देखो कैमरा, इसकी बैटरी ऑफ हो गई है। हाँ तो इसे चार्ज करो, चेतन के पास चलो। नाइस आइडिया, चलो। जी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही एग्जैक्टली हुआ है। हाँ क्या? अच्छा, मतलब जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ। कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा शक सही था, वो लोग आईटी डिपार्टमेंट से नहीं थे, वो फेक थे। दीदी, जीजू, हमें आपको कुछ दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलें। चल। आइए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अमन की ज्वेलरी गया है, शांत हो जाओ। सकी, हमारा क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा, अभी टेंशन मत लो। लेकिन रूमी के पापू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अब क्या बताएगा अभी? जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले फटाफट मुझे बताओ। ओके, हाँ ठीक है, ओके। एक सेकंड। ये वो एक वीडियो ले लिया था, आप एक बार देख लीजिए ना प्लीज। वो लोग ऐसे आए थे मम्मी, याद है? पहुंच करो। याद आया? क्या याद आया? क्या याद आ? याद आया। तू बोल ना। अरे बोल ना। अरे बोलो। अरे बोल। नहीं आया। याद क्यों नहीं आ रही अपन को? याद देख रही है, देखा देखा वो लग रहा है चेहरा, तो याद आया। चुप है, चल चुप। अरे अपन को सच में याद आ गया, इस आदमी को ना अपन ने खुराना के भाई के साथ देखा था। खुराना को भाई? हाँ खुराना। हाँ एक सेकंड। खुराना जो ससुर जी का दुश्मन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुराना का भाई खुराना को बेल देने के चक्कर में ये खेल खेल रहा हो? हाँ सही कह रही हो जीजू आप, कुछ तो करना पड़ेगा।
मुझे उससे मिलना पड़ेगा। मेरे 11 करोड़ मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये खुराना का पिल्ला तो हंसे जा रहा है बिना कोई मतलब के। ओए, मैं खुराना का भाई हूँ। उसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है ओए। तुम दोनों भी कमाल हो। वो तो हम हैं। थैंक यू। तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ नहीं, तंज कर रहा हूँ। तुम लोगों का कमाल है कि तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया। अब वो यहाँ है भी नहीं, फिर भी तुम लोग दोनों उस पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि जो इंसान जेल में है वो और जेल में चला जाए। अर्जुन, जो इंसान पहले से जेल में वो और भी जेल में जा सकता है क्या? मुझे पता नहीं है तो। नहीं नहीं, पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहीं भी जा सकते हैं, ये बहुत पहुंची हुई चीज है, खुराना साहब की तरह है ना। अब मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं उस किस्म का लॉयर हूँ जो कभी भी किसी बेगुनाह का केस हारा नहीं, और गुनहगार का केस मैं लेके रखता हूँ, समझे? तो जाहिर सी बात है सर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर आया था मक्खन ने, उसे आपके साथ कई बार देखा है। तो किसी से मिलना गुनाह है? और आपका यह मक्खन अपने काम से काम रखे, यहां वहां ज्यादा क्यों देख रहा है? और दो लोगों को साथ देखने से यह साबित नहीं होता कि वो मेरा आदमी है। मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूं। उजी, कैसे साबित कर पाओगे वकील बाबू? सीडी, जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ना, उसका असर सिर्फ सीडी की तरह है। जैसे तेजी से आप सीडी पर चढ़ जाते हैं, कदम फिसला, टप नीचे जमीन पर। जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ मिलकर आइसक्रीम तो नहीं खा रहे होंगे। अब ये नागार्जुन कुट्टी जो भी वकालत में सीखा है ना, वो सब दांव पे लगा देगा। और वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, उसी से कबूल करवाएगा कि आप कितने सीधे हैं। ओ जी ठहरो, अब इतनी दूर आए हो तो तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? तुम्हारा शक सही है, ये सब मैंने किया है। अब खुश? मैंने लिया है अपने भाई का बदला, अब जो चाहे होता है कर लो। पैसे भी गए, दुकान मकान जेवर सब गया। अब संजीव सकलेचा सड़क पे आ जाएगा, सड़क पे। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें ओए ओए अर्जुन, अर्जुन रहने दो, अर्जुन छोड़ दो, तुम्हें इस पेटी की जरूरत नहीं है। ओए ओए, ये क्या था? चलो अर्जुन, चश्मा तो लेते जा। अरे मक्खन सुनना, मक्खन। अरे मक्खन, अबे ऐसे सैर करने से क्या होने वाला है? अरे ये मक्खन के गाल टमाटर की तरह लाल होते जा रहे हैं गुस्से में। तुम मार्केट में सब्जी खरीदते निकलो? नहीं। तुम मक्खन को सब्जियों से कंपेयर करना बंद करो और उसका गुस्सा शांत करवाओ। अरे कैसे शांत करूं, ये बलून की तरह मेरे ऊपर फूट गया तो? रुको मैं कोशिश करता हूँ। अरे मक्खन बात तो सुन ले। नहीं सुनना अपन को। अच्छा ओके, अपन छोड़ेगा नहीं मालिक के साथ ऐसा करने वाले को। अपन तलवार बॉम्ब तोप सब फोड़ देगा उसपे। अरे बेटा मक्खन, इन सारी चीजों को कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट होता है। फिलहाल हमें है ना अपने दिमाग से काम करने की जरूरत है, तो अपने दिमाग से काम करते हैं। ओ सॉरी आई फॉरगेट, तेरे पास दिमाग भी नहीं है, तू मेरे दिमाग से काम कर ले और चिल कर। I'm proud of you, Arjuna. ऐसा टेंशन का टाइम भी तुम्हें कितना सही सोच सकता है, हाँ? Thank you, अम्मा। आपका ही बेटा हूँ। दोनों दिमाग वाले लोग अगर एक दूसरे की वाह वाही करने से फ्री हो गए
तो अपन मुद्दे पे आए। अम्मी इसको अभी एक थप्पड़ मारेगा जैसे। अम्मा 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 कॉन्सेंट्रेट, डोंट बॉदर। इस वक्त ये जरूरी हम ये सोचे कि पैसे कैसे वापस आने वाले हैं। किसी भी हालत में हमें ये केस जीतना पड़ेगा। और वाइफ जी का ज्वेलरी भी वापस कैसे लाए? मेरे भी और 11 करोड़ और इनका ज्वेलरी और पैसा भी। एग्जैक्टली, पैसे, ज्वेलरी और इस घर की इज्जत सुसमेत वापस आना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि अम्मा और पापू दोनों की इज्जत का सवाल है। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम।